मंजिलें उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। सिर्फ पंखों से ही कुछ नहीं होता, हौसलों से ही उड़ान होती है। वेलकम बैक टू माय यार स्टूडेंट्स, विपिन द्विवेदी फिजिक्स क्लासेस में एक बार आपका फिर से स्वागत है। तो सबसे पहले विपिन द्विवेदी फिजिक्स क्लासेस की ओर से आप सभी को नव वर्ष 2021 की हार्दिक शुभकामनाएं। नव वर्ष का आगाज हो चुका है मेरे प्यारे बच्चों, और आज हम लोग बात करेंगे फिजिक्स की नहीं बल्कि कुछ डिफरेंट अंदाज में मोटिवेशनल एक स्टोरी आप लोगों को सुनाएंगे, क्योंकि कुछ बच्चों की डिमांड थी कि सर आप कोई एक ऐसी मोटिवेशनल स्टोरी बताइए जिससे हम लोग एग्जाम टाइम तक मोटिवेट रहें। तो आपको हम बताना चाहते हैं कि ये स्टोरी इतनी ज्यादा पावरफुल है कि आप एग्जाम टाइम तक क्या अगले जन्म में भी मोटिवेट रहेंगे, और इस मोटिवेशनल स्टोरी को सुनने के बाद आपको मोटिवेशन की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि हम आपको बता चुके हैं जिस हिसाब से हम आप लोगों को पढ़ाते हैं, तो पढ़ाने पर जब हम टॉपिक को 100% क्लियर कराते हैं, ठीक उसी प्रकार से मोटिवेशन का भी टॉपिक बिल्कुल क्लियर करा देंगे। तो आइए सुनते हैं इस पावरफुल मोटिवेशनल स्टोरी को। देखिए आज हम बात करेंगे थोड़ा कुछ आज से पहले समय की। आपको बताते हैं, आपको पता होगा कि हमारा जो भारत देश है वो अंग्रेजों का गुलाम हुआ करता था। अब क्योंकि पता है आपको, क्योंकि अंग्रेज जो है वो भारतीयों को कहीं मार करके कहीं फेंक देते थे। उस समय भारतीयों पर इतना ज्यादा अत्याचार था कि कोई बोलने वाला नहीं था। फिर आगे की कहानी आपको पता है, लेकिन ये उन दिनों की बात है जब कुछ अंग्रेज सैनिक जो है वो रेगिस्तान में टहल रहे थे। अब वहां पर रेगिस्तान में आते जाते कुछ दो सैनिक आपस में खोपड़ियों से खेल रहे थे, क्योंकि वहां पर मार मार करके वो भारतीयों को फेंक देते थे। तो वहां पर कंकाल रूप में कुछ खोपड़ियां पड़ी हुई थी, वो अंग्रेज सैनिक कुछ समय तक उन्हीं खोपड़ियों से खेल रहे थे, जैसे आप लोग फुटबॉल खेलते हैं। तो सेम ऐसे ही वो अपने पैरों से खोपड़ियों को मार करके आगे बढ़ रहे थे। एक बार इस डायरेक्शन से, मतलब कुल मिला के यदि लिया जाए, नॉर्थ टू साउथ मतलब उत्तर से दक्षिण, या आप चाहे पूरब से पश्चिम भी ले सकते हैं। अब हुआ क्या कि धीरे धीरे उन्होंने कुछ समय बाद सुना कि इस रेगिस्तान में कहीं से आवाज आ रही है। तो उन्होंने सुना, जब धीरे से कान को सामने किया तो उन्होंने पाया कि आवाज जो है वो खोपड़ी के अंदर से आ रही थी। मेरे बच्चों, अब क्योंकि आवाज खोपड़ी के अंदर से आ रही थी तो उन्होंने इस आवाज को सुना। अब भारतीय खोपड़ी बोल रही थी, ऐ सामने वाले जरा देख के चल, मैं भी कभी इंसान था। तो अब आप लोग सोचिए कि जब भारतीय खोपड़ी बोल सकती है तो हम लोग तो भारतीय हैं, भारतीय विद्यार्थी हैं, तो हम लोग तो इतनी ज्यादा तेजी से बोल सकते हैं कि हमारी सफलता की गूंज देश में ही नहीं विदेशों में भी लहराएगी। तो चलिए आप लोगों को हालांकि ध्यान में रखना है कि अभी आप लोगों को पढ़ाई पर ध्यान देना है। 10वीं और 12वीं के विद्यार्थी काफी सीरियस हो जाएं, क्योंकि आप लोगों की बोर्ड परीक्षा होने वाली है। देखिए कुछ विद्यार्थियों ने बोला कि सर एक काम करें, आप हमें बताएं कि कैसे हम अपने आप को एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर पाएं। तो देखिए बहुत ही सिंपल है, सबसे पहले आप लोग अपने आप से पूछिए, अपने आप से पूछना होगा आपको कि आपकी एग्जाम की अभी तैयारी कितनी है। तो कुछ विद्यार्थियों के अंदर से आवाज आएगी, सर अभी नहीं, हमें तो कल से करना है। ये आपको बिल्कुल नहीं करना है। सबसे पहले आप लोग एक टाइम टेबल बना लें और किसी भी टॉपिक को 2 से 4 बार पढ़ें, इतना अच्छे तरीके से समझें ताकि एग्जाम में आप उसे अच्छे से लिख सकें। आपको रटने पर नहीं समझने पर ध्यान देना। और 10th 12th के साइंस के विद्यार्थी एक बात जो हम आपको बता चुके हैं वो बिल्कुल ध्यान रखेंगे, एक्यूरेसी इज द की ऑफ सक्सेस। दैट मींस आपको शुद्धता पर विशेष ध्यान देना होगा, वर्ड टू वर्ड लिखना होगा,
बनाकर बिल्कुल भी ना लिखे साइंस के विद्यार्थी, इसलिए ताकि उनके पूरे में पूरे मार्क्स मिल सके। समझ पा रहे हैं, क्योंकि विज्ञान की अपनी एक अलग भाषा होती है, साइंस की अपनी एक पर्टिकुलर लैंग्वेज होती है। क्लियर है? तो आप कहेंगे जी सर। और आप कुछ नए जो विद्यार्थी हैं, जो लोग कैरियर में अपने कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, उन लोगों की बात बताते हैं। सबसे पहले होता क्या है कि नए साल को लगभग सभी लोग अपना एक लक्ष्य जरूर बनाते हैं, और नए साल के पहले महीने तक, कुछ लोगों का तो दूसरे दिन आते आते ही लक्ष्य ही समाप्त हो जाता है। सबसे पहले आप लक्ष्य इतना सीरियस होकर के चूज करें, मतलब इतना लक्ष्य में खोकर चूज करें कि कोई ऐसा लक्ष्य ना हो जिसे आप दूसरे ही दिन बदल दें। लक्ष्य ऐसा होना चाहिए कि यदि आप एक बार बना लें, इसे आप जब तक खत्म नहीं कर दें, तब तक आप आसानी से या शांत तरीके से ना बैठें। वो लक्ष्य होना चाहिए, और लक्ष्य को पूर्ण करने के लिए आपके अंदर एक मोटिवेशनल आग होनी चाहिए। क्योंकि आपको एक स्टोरी के द्वारा बताया जा चुका है कि हम जब भारतीय खोपड़ियां बोल सकती हैं, तो हम लोगों के अंदर अभी तो खोपड़ी के साथ साथ ये पावरफुल शरीर भी है, तो हम लोग कितना जोर से बोलेंगे। अंत में विपिन द्विवेदी फिजिक्स क्लासेस की ओर से आप सभी को एक बार हैप्पी न्यू ईयर 2021, नए वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं, धन्यवाद। चलिए, और आप लोग हमारे वीडियोज को देखते रहें और अधिक से अधिक स्टूडेंटों तक पहुंचाते रहें। YouTube की ओर से हम आपका बिल्कुल इसी तरह से स्ट्रांग तैयारी करवाते रहेंगे। और हम अब एक आप बात आपको और बताना चाहते हैं कि हम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी अब वीडियोज को डालने का कार्यक्रम शुरू करने वाले हैं। इसलिए आप लोग चैनल पर नजर बनाए रहें और अधिक से अधिक इसको सब्सक्राइब करें, शेयर भी करें। धन्यवाद। हैप्पी न्यू ईयर 2021। बाय बाय।